हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज विवेक कुमार एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता है कि जो दिल्ली में कर्फ्यू लग चुका है और दिल्ली में पिछले 7 दिनों से लॉकडाउन है, तो मंडे को आपका जो रीजनल सेंटर है वो आपका खुल जाएगा। तो जिन सभी बच्चों ने अभी तक अपने टीएमए को सबमिट नहीं किया है, सभी मंडे को जाइएगा और अपने अपने टीएमए को सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि विदाउट टीएमए आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये बात सच है। पिछले साल क्लास 10th और क्लास 12th वाले बच्चों को प्रमोट किया गया था, उन सभी को ऑन द बेसिस ऑफ टीएमए प्रमोट किया जाएगा। जैसा कि आप लोग को बताया कि मैं इस वक्त जो वीडियो बना रहा हूँ अपने इंस्टीट्यूट से नहीं बना पा रहा, क्योंकि जो दिल्ली में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसके कारण बाहर निकलना पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए सभी बच्चे अभी तो मंडे को सभी का रीजनल सेंटर शायद खुल जाए और ये लॉकडाउन का यदि एक्सटेंड नहीं किया गया, तो आप सभी आप लोग जाइएगा अपने अपने रीजनल सेंटर पे जाके अपना टीएमए को सबमिट करवा दीजिएगा। विदाउट टीएमए आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि अभी अभी तक यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल काफी ज्यादा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को देता है। जैसा कि आप कुछ बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि जिनके टीएमए में मार्क्स 18 है, 17 है, 16 है, क्या वो पास हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। पिछले साल वाले बच्चे काफी ऐसे थे जिनको 15-16 मार्क्स पे भी उन्हें SYC, SYCT, SYCP दे दिया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है दोस्तों। यदि टीएमए में आपके 15 से 16 मार्क्स भी आते हैं और या किसी कारणवश किसी मार्क्स किसी सब्जेक्ट में 10 या 12 मार्क्स भी आ जाते हैं आउट ऑफ 20, तो आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। साफ साफ मैं ये मेरा कहना है और साफी का इसमें काफी जो तमाम लोग आपका साथ दे रहे हैं, आप लोग को अभी उस वक्त साथ देना चाहिए आप लोग को। जैसा कि पता है कि एनआईएस का जो मुद्दा है काफी ज्यादा न्यूज पेपर्स में ट्रेंड कर रखा है, और जो ट्विटर पे आप लोग पता है कि ट्विटर पे भी ट्रेंड कर गया था कि कैंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। तो इसमें काफी ज्यादा जो तमाम बच्चे हैं एनआईएस के, उनका कोऑपरेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। और टीएमए जिन बच्चों ने अभी तक सबमिट नहीं किया है, तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने लेट फीस के साथ टीएमए को सबमिट कर सकते हैं। जैसा कि पता है आपको पर सब्जेक्ट आपको 1500 रुपीज पे करना है। जो मान लिया जाए आपने 5 सब्जेक्ट लिया है आउट एनआईएस में, तो आपको 7500 रुपीज लेट फीस के साथ देना पड़ेगा। लेकिन ये काफी ज्यादा एक रीजनेबल अमाउंट नहीं है और बहुत ज्यादा हाई अमाउंट है, यानी कि 1500 पर सब्जेक्ट का लेट फीस लिया जाना काफी ज्यादा बड़ा अमाउंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, मंडे को आप लोग रीजनल सेंटर जाइएगा। वहां पे जैसे हर एक ऑथराइज्ड सेंटर का एक रीजनल सेंटर होता है, या फिर दिल्ली के आसपास हो तो आप नोएडा सेक्टर 62 जा सकते हो। नोएडा 62 में आप लोग जाइएगा, वहां पर अपने अपने टीएमए को सबमिट करवा दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि मैं लेट होने के कारण अपने टीएमए को सबमिट नहीं करवा पाया। आप लोग एक रीजन दे सकते हो, आप लोग एक एप्लीकेशन लिख दीजिएगा कि हमारे एरिया में लॉकडाउन लग चुका था या फिर हमारा एरिया कंटेनमेंट जोन में था, तो हमने फरवरी जो लास्ट डेट थी टीएमए सबमिट करने की, हमने टीएमए को सबमिट नहीं करवा पाया। तो सभी बच्चे जो बच्चे अभी तक टीएमए को सबमिट नहीं करवाए हैं, मंडे को जाइएगा अपने अपने रीजनल सेंटर में, टीएमए को जरूर सबमिट करवाएगा। टीएमए के बेसिस पर ही आप लोग को प्रमोट किया जाएगा। और काफी कुछ बच्चे कह रहे हैं उनके 15 मार्क्स है या फिर 14 मार्क्स है या 12 मार्क्स है, क्या उन्हें प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, यदि प्रमोशन की बात चली तो 12 मार्क्स वाले को भी प्रमोट किया जाएगा। पिछले बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन इस बार हम लोग ऐसा होने नहीं देंगे। यदि ऑन द बेसिस ऑफ टीएमए प्रमोट नहीं किया जाता है, तो हम लोग एक मुहिम छेड़ेंगे। SYC, SYCT पिछले साल वाले बच्चों को दे दिया गया था अपने रिजल्ट्स में और काफी सारे बच्चे खुश नहीं थे, तो इस बार हमें प्रमोशन की बात तो करनी है। साथ ही साथ हैशटैग जो चलाना है प्रमोट विद गुड मार्क्स, यानी कि अच्छे मार्क्स से आप लोग को प्रमोट होना हुआ। पिछले साल 50% मार्क्स देके प्रमोट कर दिया गया, तो क्या फायदा 50% मार्क्स का, और वो बच्चे आगे चल के किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं ले सकते, काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आएगी। तो ऐसे में आप लोग को क्या करना होगा, प्रमोट के साथ आपको एक मुहिम उठानी होगी, हैशटैग प्रमोट एनआईएस स्टूडेंट्स विद गुड मार्क्स, यानी कि कैंसिल बोर्ड एग्जामिनेशन 2021। आप लोग को पता है कि दिन में 3 लाख से ज्यादा केसेस एक दिन में रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, 360,000, 350,000, ये तो एक्चुअल केसेस है जिसमें जो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग डाटा है। ऐसे काफी सारे और केसेस है जिसको गवर्नमेंट रजिस्टर नहीं कर रही है, मौत के आंकड़े दिखा नहीं रही है। दिन में करीबन दिल्ली में 300 से ज्यादा लोग की डेथ हो रही है, ऑक्सीजन की कमी है और दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी है, और काफी सारे स्टेट्स में महाराष्ट्र, दिल्ली, उड़ीसा, लखनऊ और भी काफी सारे ऐसे स्टेट्स है जहां पे ऑक्सीजन की बिल्कुल अभी कमी है। तो ऐसे में एग्जाम्स तो कराना, कंडक्ट कराना ऑफलाइन बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीबीएसई क्लास 10th का एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया है। आशा करते हैं कि सीबीएसई क्लास 12th का भी एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट को अभी समझना चाहिए कि एग्जामिनेशन कंडक्ट कराना मुश्किल है और एनआईएस वाले बच्चों का भी एग्जामिनेशन बिल्कुल पोस्टपोन और कैंसिल होना चाहिए। पोस्टपोन होना एक अच्छा जरिया नहीं है। तो इसीलिए काफी सारे बच्चे कह रहे हैं कि हमें रिट दायर करनी होगी सुप्रीम कोर्ट में। अभी रिट हम दायर भी नहीं करवा सकते, और काफी सारे बच्चे कह रहे थे TIL दायर करना मुश्किल होगा, और लेकिन इसके लिए एनआईएस ने कहा है कि 20 मई तक हम आप लोग को कंफर्मेशन बता देंगे कि आपका एग्जामिनेशन होगा या नहीं होगा।
तो उससे पहले आप लोग को बस एक ही काम करना होगा, ट्विटर पे जाके आप लोग को ट्रेंड ट्रेंड करना होगा, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, जाके पिटीशन पे जाके साइन कर दे और ट्विटर पे जाके आप लोग जरूर जुड़े। वहां पे अभी तक आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो वहां पे फॉलो करना ना बोले, जो भी मैं ट्वीट करता हूँ उसे रीट्वीट कर रहे, और ज्यादा आपको कुछ करना नहीं है, आप लोग को ट्विटर पे अभियान चलाना होगा। और साथ ही साथ जो बच्चे अभी तक अपने टीएमए को सबमिट नहीं किया तो अपने अपने टीएमए को सबमिट कर दे। किसी भी टाइप का टीएमए से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी लेना हो या आपको प्रमोशन से रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में या फिर आपको स्क्रीन पे इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा होगा वहां पे जाकर आप लोग हमें मैसेज कर सकते हो। कोई भी टाइप का रिक्वायरमेंट हो हम लोग आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करेंगे। और किसी भी टाइप का इश्यू आता है तो आप लोग जरूर हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे, क्योंकि ये चैनल एनआईएस के रिगार्डिंग आप लोग को हमेशा हेल्प देगा। और मैं आप लोग को एक और चीज बता दूं, यदि आप लोग का जो ये चैनल है बिल्कुल आप लोग के लिए हमेशा हेल्पफुल खड़ा होता है, पिछले साल वाले बच्चों को भी प्रमोट कराने में हमारी काफी ज्यादा भूमिका थी। आप लोग देख सकते हो हमारी प्रीवियस वीडियोस, काफी सारी वीडियोस हमारे एनआईएस के रिगार्डिंग है और सभी बच्चे एनआईएस के पिछले साल वाले बच्चे प्रमोट हुए थे, क्योंकि इसमें हमारी कहीं ना कहीं कोऑपरेटमेंट थी और सभी लोगों का साथ था, आप लोग के साथ के बिना ऐसा मुख्य रिगार्डिंग आप लोग को मैं बता देना चाहता हूँ कि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो वीडियोज को वॉच करते हैं लेकिन उनका सब्सक्राइब नहीं कर पाते। वो 81% ऐसे ऑडियंस है जो कि विदाउट सब्सक्राइब वाले जो हमारे चैनल को वॉच करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिससे हमें काम करने का मोटिवेट मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई डाउट आता है तो आप लोग हमसे जरूर जुड़े, किसी भी टाइप का इशू आता है तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे या फिर मैसेज डायरेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। अभी तक अपने टीएमए को नहीं बनाया तो टीएमए को जरूर बना लें और मंडे तक जाकर एक बार अपने रीजनल सेंटर पे एप्लीकेशन के साथ आप लोग अपने रीजनल सेंटर पे टीएमए को सबमिट जरूर कर दें, क्योंकि टीएमए एक बेसिस रखता है आपके प्रमोशन के रिगार्डिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे, टेक केयर, मिलते हैं एक नई किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।